असी पिछली बारी किया 1.3 एक्सरसाइज दियाँ उदाहरण कीतियाँ सी ते नाल तुहानू एक्सरसाइज मैं कहा सी कि बच्चा ने कोशिश करनी है जे सम होणगे ओही एक्सरसाइज 1.3 दे कुछ सम्स मैं अज तुहानू करवाण लग्गिआं। पहला सवाल है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, जिहड़े सानू नीचे भिन्न दित्ते हुए है इहनां नूं असीं दशमलव च लिखना है। फिर दसना है कि उहनां दा दशमलव प्रसार किस प्रकार दा होएगा, कि उह शांत होएगा या अवनासी अनवसानी आवर्ती होएगा जिहड़ियां पिछली वारी तुहानूं परिभाषा दसियां सी। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है पार्ट है 36/100, अगला आ गया 1/100, तीजा आ गया 4 सही 1/8। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन च है 4 सही 1/8, 3/13, 2/11 ते 329/400। पहले का उत्तर देखते हैं, पहले का उत्तर है 36/100 ते छोटी क्लासा च करवाया हुंदा है। नीचे जिन्हिया जीरो आन जे इनू असी डैसीमल दे विच दशमलव रूप विच लिखना होवे, नीचे जिन्हिया जीरो होन उन्हिया रकमां छड के दशमलव लगा देंदा है। नीचे दो जीरो हैगियां सी दो रकमां छड के दशमलव लगा देना है। इहदा मीनिंग है पहला 6 छड्डांगे, फिर 3 छड्डांगे, फिर उस तो बाद डैसीमल लगा देंगे। डैसीमल्स तो अगे जीरो असी लगा सकते हैं खुद अपने वालों, क्योंकि इहदा आंसर एग्जैक्ट आता पाया 0.36, कोई रकम बार बार नहीं आती पी, इसलिए यदा दशमलव प्रसार की होएगा शांत होएगा। ठीक है, पहली का जरा है दशमलव प्रसार की होएगा शांत। दूजी रकम है 1/100, 1 100 नाल भाग करो, रफ विच करके देख लेनी है। ठीक है, 1 100 नाल भाग करके देख लेनी हैगी है, मेरा आंसर आ जाएगा 0.09, फिर कि आएगा 0.09, फिर 0.09, ऐसा चली जावे। यही कि सिर्फ 0.09 तक ही आएगा, अगर डॉट डॉट आए नहीं है, डॉट डॉट का मतलब है कि चली जाना, पहला 0.09 फिर 0.09 फिर 0.09 आएगा फिर 0.09 आएगा। यह तो मैं सिर्फ 4 रकम लिखी ना, अगर तुम डॉट डॉट लिख सकते हो। यदा मतलब है कि जरा 0.09 0.09 बार बार आता पे, मैं इनू इस तरह लिख सदा वा 0.09 के उपर बार बार का मतलब दसिया सी, बार का मतलब होंगे कि यह जरा 0.09 होगा बार बार आता पे। ठीक है, 0.09 के उपर बार पाया ना, यदा मतलब होंगे कि जरा 0.09 के उपर जो बार पाइए तो उन्होंने मतलब होंगे 0.09 फिर 0.09 फिर 0.09 फिर 0.09 एंड ऐसा चली जावे, मतलब जिदा कोई एंड नहीं है। इसलिए यदा जरा दशमलव प्रसार होएगा, क्योंकि कोई भी रकम बार बार आती हो, समझाया सी जो असी किसी भाग करते हैं कोई रकम बार बार आई जाए तो अनंत तक चली जाए, वह कोई एंड ना होनू असी कहते हैं अनवसानी आवृत्ति, वह जरा दशमलव प्रसार होएगा वह की होएगा अनवसानी आवृत्ति होएगा। अगला है मेरे को 4 सही 1/8, 4 तो 4 ही रहन देना, 1 8 नाल भाग कर दो, या इस तरह भी कर सकते हो 8 4 नाल गुणा करके 32 एक 33 8 नाल भाग कर दो। ठीक है, या 1 8 नाल भाग करके 4 उहदे विच प्लस कर देना, मेरा आंसर आएगा 4.125। बच्चे इस तरह भी कर सकते हैं कि पहला 8 4 नाल गुणा कर लो 32 आ जाएगा, 32 दे विच 1 जमा कर लो 33 33/8, 33 नूं 8 नाल भाग करोगे तुहाडा आंसर आएगा 4.125। रकम बिल्कुल पूरी बारी भाग हो गई है एंड अगे कोई रकम बार बार नहीं आती पी, इसलिए इहदा दशमलव प्रसार की होएगा शांत, जिस तरह पहले दा गा सी। हुण उस तो बाद हैगा 3/13, 3 13 नाल भाग करके देखो साडा आंसर आ जाएगा, रफ च करके देख लैना 0.23079, 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9। कहन का मतलब है कि यह 6 रकम रिपीट होंदिया पई हैं, बार बार आंदियां पई हैं, इहनू असी इस तरह वार सकते हैं 0.23079 दे उपर की आएगा बार बार का मतलब होंदे कि यह 6 रकम बार बार आंदियां पई हैं, इसलिए इहदा दशमलव प्रसार भी की होएगा अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, जिहदा कोई एंड ना होवे, जदों असी भाग करिए तो एंड ही ना हो, कोई चली जाए रकम भाग हो जाए बार बार, पर जिहड़ियां उपर जिहड़ा आंदा पिया मेरे को रकम वह भी बार बार रिपीट हो, इसलिए उहदा जिहड़ा दशमलव प्रसार हुंदा वह अनवसानी आवृत्ति हुंदा। ठीक है, ये दो भाग हो रहे, 1 2/11, 1 329 किन्ना है 400। हुण देखते हैं 2/11 का, हुण 2/11 का की है, असी 2 11 नाल भाग करना है, रफ च करके देख सकते हो, रफ च कर लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा 0.18
इकट्ठ ऐसा चली जावे। एदा मतलब है इन असं लिख सकते हैं 0.18 के उपर की पावे बार, एदा मीनिंग एदा भी जो दशमलव पर सारे होएगा वह की होएगा अनवसानी आवृत्ति है। अगला है मेरे को 329/400, यह भी 329 400 नाल भाग करके देख लो, ठीक है भाग करांगे साडा आंसर आएगा 0.8225, पाँच तो अगे कुछ नहीं आना पूरा पूरा भाग होना है 0.8225, इसलिए यदा दशमलव प्रसार की आएगा 7, जिदे विच अगे कोई रकम ना आवे रकम पूरी पूरी कट्टी जाए, ठीक है फिर वह जो दशमलव प्रसार हों की होंगे 7 होंगे। ये तो पहले दे छे पहले सवाल के 6 भाग से, ठीक है यह कर लेने हैं। अगे दूजा सवाल है, दूजे सवाल का प्रश्न है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के उपर बार, यह रकम के दिता हो वैसे भी बच्चे करना चाहो तो कर सकते हो, 1/7 नाल भाग करोगे तो पूरा पूरा नहीं होना डिवाइड, यह चली जाना यदा कोई एंड नहीं होना, यदा आंसर आना 0.142857 फिर 1/4857 फिर 1/4857 उन्होंने पहले उन्हें क्या बार च है 1/7 का मतलब है 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 अगे किन्ना गए 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, मतलब असी इनू वर्तना 1/7 की जी है रकम दिती हुई है, असी 2/7 का भी दशमलव प्रसार निकालांगे पर भाग उन्हें क्या लंबा भाग दिए बगैर, मतलब असी भाग नहीं करना इनू वरत के 2/7 की वैल्यू निकालांगे की आंसर आएगा, 3/7 का भी आंसर निकालांगे 4/7 का भी 5/7 का भी 6/7 के भी, पर भाग नहीं करनी यह उन्हें क्या है। किस तरह करांगे उत्तर है क्योंकि साढ़े को दिता है कि 1/7 कि बराबर हैगा 0.142857 के उपर की है बार, मैं निकालनी है वैल्यू पहला 2/7 की, 2/7 की 2/7 मैं लिख सकता वा 2×1/7, ठीक है 2/7 मैं 2×1/7 अलग अलग करके लिख सकता वा, 2×2 ही रहन देना है तो 1/7 की रकम किन्नी है साढ़े को 0.142857 वह लगाती 1/7 की हैगा 0.142857 लगाता उपर आ गया बार, हूँ 2 यह सारे गुणा कर दो मेरा आंसर आ जाएगा 0.285714 नाल बार आएगा। ऐसे ही असं हूँ 3/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7 असी लिख सकते हैं 3×1/7 3 ही रहना है गुणा 1/7 की वैल्यू किन्नी है साढ़े को 0.142857 0.142857 उपर की है बार, 3 गुणा करांगे ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.42857 उपर की आएगा बार, ठीक है हूँ असी वैल्यू निकालांगे 4/7 की, 4/7 भी असी लिख लांगे, ठीक है 4/7 असी किस तरह लिख सकते हैं 4×1/7, ठीक है 4/7 असी किस तरह लिख सकते हैं 4×1/7, हूँ असी 4/7 की वैल्यू निकालनी है 4×1/7 4 ही रहन देना है पर 1/7 की वैल्यू किन्नी हैगी है 0.142857 बार, फिर 4 भी है सारे ना गुणा कर देनी मेरा आंसर आ जाएगा 0.571428 बार। ऐसे ही 5/7 असी लिख सकते हैं 5×1/7 5×1/7 की किन्नी रकम हैगी साढ़े को 0.142857 फिर 5 भी गुणा कर देनी है सारे नाल, ऐसा ही 6/7 की यह वैल्यू, मतलब असी बगैर भाग किते 1/2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हूँ तीजा सवाल है जरा मैं ये नाल दी उदाहरण उद कराई से उदो भी मैं क्या सी बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है यह हैगा की है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ये नाल दी मैं 2 उदाहरण भी कराई हुई हैं, ठीक है 3 सवाल है तो लगभग मैं 2 तो कराए देने पूरे, तीजे का मैं हिंट देवांगा वो तो ही आप कोशिश करनी है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है, पहला भाग है 0.6 के उपर की है बार, दूजा भाग है 0.47 के उपर की है बार, 4/7 के उपर बार, अगला है 0.001 के उपर की है बार, पहला भाग करते हैं 0.6 के उपर बार है, ठीक है यह पहला भाग करा, देखो पहला भाग है साढ़े को एक्स असी मन के चल पे हाँ 0.6 के उपर की है बार, ठीक है 6 के उपर की है बार,
ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6 ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਡੋਟ ਡੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 6 3 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, 4 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ। 0.66666 ਅਪ ਟੂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਜਿਸ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 4 ਅਤੇ 7 ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਏਗਾ 4 7 4 7 4 7 4 7, ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਕਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 'ਚ 6 ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ 10 ਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ 10 ਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਪਰ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰਫ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 10x। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਏਗਾ, 10 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0.666, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 6 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 10x ਨੇ ਤਾਂ 10x ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ 0.666 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 0 ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੀ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਂਸਲ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਕਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ 1 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਜੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜੇ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 3 ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 6.66। ਮੈਂ 1 6 ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 6 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਫ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, 10x ਬਰਾਬਰ 6., ਠੀਕ ਹੈ, 10x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 6.666, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 0.666, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗਾ 10x ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 1x ਘਟਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ 9x, ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1x, 10x ਵਿੱਚੋਂ 1x ਘਟਾਵਾਂਗਾ 9x ਆਏਗਾ। 6.666 ਵਿੱਚੋਂ 0.66 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 0 0 ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਹੋਗਾ, 9 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 6/9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ 3 2 6 ਅਤੇ 3 3 9, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2/3, 2/ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 3। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, 0.47 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ 4-7 ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4-7 ਫਿਰ 4-7 ਫਿਰ 4-7 ਐਂਡ ਐਸਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਰਕਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ 1 ਰਕਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵੇ ਫਿਰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, 4-7 ਫਿਰ 4-7 ਫਿਰ 4-7, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ
एक्स नू 100 नाल गुणा करांगा मेरे को आ जाएगा 100 एक्स, तो इनू भी 100 नाल गुणा करनी है, 100 नू किदे नाल गुणा करनी है 0.47 47 47 47, यह तो 100x का 100x ही रहना। देखो जो इस रकम 100 नाल गुणा करांगे हुणे देखना 100 दे विच दो जीरो आ गई है, जिहड़ा डेसीमल का साइन है दो रकम इधर चल जाएगा, हुण 100 है ना, दो जीरो है, जिहड़ा डेसीमल का साइन है दो रकम इधर आ जाएगा, इहदा मतलब है मेरा आंसर आ जाएगा 47 डेसीमल अगे फिर 47 फिर 47 फिर अगे 147 होर तुसीं अपने वल्लों लिख सकदे हो। तो यह मैं कीता है दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इधर आ जाएगा 100x, उधर आ जाएगा 47.47 47 47 47, इनू असी नंबर 2 कह देना है। उस तो अगे सेम उस ही नंबर 2 में से एक को घटाने पर पहला असी नंबर 2 वाली रकम लिख देनी है, फिर थले नंबर 1 वाली, नंबर 1 कितनी गी x बराबर 0.47 47 47, नंबर 2 चो नंबर 1 घटाना है, घटाना किस तरह 100x विचो 1x घटावांगे बाकी बचेगा 99x, इधर किन्ना होना है डेसीमल तो सज्जे पासे वाली रकम तो सारिया सेम सेम है, वह तो कटिया ही नहीं है, 47 विचो 0 घटावांगे तो 47 ही आएगा, यह रकम तो सारिया सेम सेम है तो कटिया नहीं है, तो एक्स के नाल 99 है बटे चलाइए 47 दे मेरा आंसर आ जाएगा 47/99। एक तीजा भाग है वह मैं सिर्फ तुहानू थोड़ा जिहा हिंट देवांगा, करना तुसीं आप ही है, मेरे को लगा 0.001 के उपर बार है, हूँ 0.01 के उपर बार है, तीन रकम उपर बार है, यदा मतलब है 0.01 मेरे को बार बार आता पे, इनू मैं इस तरह वाज सकता वा 0.001 फिर कि लिखागा 0.01 फिर 0.01 फिर अगर डॉट डॉट लगा लाँगा, इनू नंबर 1 कह दिता। हूँ ये मेरे को 0.01 तीन रकम बार बार आदि पी, इसलिए मैं कि गुना करांगा 1000 नाल, जदों तीन रकम के उपर बार हो मतलब तीन रकम बार बार आन फिर 1000 नाल गुणा करनी है, पहले जरा असी उदाहरण पहला भाग किया इस उदाहरण का, वो असी 10 नाल गुणा करती सी क्योंकि 6-6 आता पाया बार बार एक रकम आती पी सी, जी असी उपरली उदाहरण की 4-7 4-7 4-7 4-7 दो रकम आदि पी, उस 100 नाल गुणा करती सी, इस 0.01 0.01 0.01 तीन तीन रकम बार बार आदि पी, इसलिए मैं कि गुणा करनी 1000 के नाल दोनों तरफ, एक्स नू 1000 नाल गुणा करांगा 1000x आएगा, तो जो इनू 1000 नाल गुणा करांगा यह पूरी रकम 1000 नाल गुणा करांगा, जिहड़ा डेसीमल इत्थे हैगा तीन रकम इधर आ जाएगा, हुण जिहड़ा मेरा डेसीमल इत्थे हैगा ना वह तीन रकम इधर आ जाएगा क्योंकि मैं जो 1000 नाल गुणा करांगा तीन जीरो आ गई, जिहड़ा डेसीमल हैगा वह सज्जे पासे चल जाएगा पल तीन रकम छड के आएगा, हुण मेरा आंसर आ जाएगा 0.01 अगे डेसीमल पा के, मतलब इस तरह हैगा मैं जो मैं 1000 दे नाल गुणा करांगा 1000 के नाल किनू गुणा करनी 0.001 0.01 0.01, तो जरा मेरे क्योंकि तीन जीरो है डेसीमल मेरा इत्थे आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1.001 0.01, मतलब 0.0 इत्थे लाने की अगे लिखण की कोई जरूरत नहीं कि मेरा डेसीमल सीधा इत्थे जाएगा, सिर्फ एक लिखना सी 0.0 अगे नहीं लिखींदा हैगा, ठीक है नाल 0.01 वाल लता फिर 0.01 वाल लता 1.001 तुम खुद अपने वालों पा सकते हो, मैं पाया इतने एन नंबर 2 कह देना है, अगे उस तरह ही है नंबर 2 चो नंबर 1 घटाना अगे तुम आप ही करना है, नंबर 2 दे विचो नंबर 1 घटाना है, ठीक है फिर अगे जो आएगा वह आंसर आएगा, एक सम तुम आप कंप्लीट कर लेना है।